भैया स्वागत है भाई नए व्लॉग। हम कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे बढ़िया हो। तो आज वो सीन का जो है सो है कि आज भैया आ रहे कोई इंटरव्यू वाले, हमने फ़ोन करो भैया इंटरव्यू दे दो। हमने ठीक है भैया आ जाओ। तो मतलब इटावा पता नहीं शायद इटावा आते तो इटावा तो नगला बरी आए हुए हैं। अब नगला सेवा है कि अपने रास्ता तो पता नहीं है, तो हम जा रहे और लेके आए भैया लोग जो आ चुके। और बता भाई, और बढ़िया भैया। दिक्कत तो बहुत भाई हुई है, हमें पता है। अरे ऑटो नहीं मिलते यहाँ पे इसलिए। अच्छा तो मैन गाँव कौन सा है? इटावा प्रॉपर। अरे प्रॉपर था। चलो बैठा भैया घर आ चुके और भाई लोग बैठ चुके। और बताओ भाई और बढ़िया है, आप बताओ। कैसी लग रही झोपड़ी? सही है। अरे 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 झोपड़ी नहीं, महल है बढ़िया। अरे भैया महल नहीं। और मैं बढ़िया एकदम फर्स्ट हाँ क्लास भाई। ग्राउंड आया रहो सही भाई, देख रहा हूँ। और गुट्टू तो आज भैया के व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि भैया देने वाले हैं इंटरव्यू। हो रहा हमारा सेटअप। तो भैया इंटरव्यू आप देने वाले हो तो क्या एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? बड़ी ही लग रहे हो पहले था फर्स्ट टाइम। हाँ सही है। तो इंटरव्यू भैया, इंटरव्यू वाले देखो बे रहे और पता नहीं कहाँ कहाँ पूछे, तो भैया होपलेस ना हुई हो। हम कहूँ जीवन होना ही भाई। बस बस यही कॉन्फिडेंस है ये। तो इंटरव्यू वाले आ चुके हैं तो चलो भैया इंटरव्यू दे देते हैं। और उनका जो बाकी का ब्लॉग है वो मैं ही शूट कर रहा हूँ अभी। भैया कह रहे मीडिया वाले आ गए तो इंटरव्यू कंटिन्यू। हाँ लगता है भैया। चलो ठीक है, तो इंटरव्यू अभी भैया दे रहे हैं तो उसके बाद का और जो सीन है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इनका नाम है रवि यादव, और ये सैफई के रहने वाले हैं, जिला इटावा। और सैफई तो आप जानते ही होंगे, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए सैफई। तुमने कैसे सोची थी कि तुम्हें वीडियो बनाने? मैंने सोची कहा थी ऐसे ही, बस एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मम्मी ने बुआ के घर पे भेजू, अपने बुआ के घर पे वहाँ पे एक वीडियो शूट चल रही थी। मैं कहा तो वीडियो शूट कर रहे थे, लगभग वीडियो बने हो हमने, हम तो जानते नहीं वीडियो बनाए हो, बनाओ एक ना देख ले। मेरा बनाई दिमाग में बनाई थी हमने, हाँ कुरी करने करवा चौथ ही देखता भी शुभकामनाएं। जो आज एक दिन पेटे पीरो बहाना बनाया, रोटी नहीं खा रहे। अच्छा जब चली गई थी, बहुत चली गई थी, पर मिलियन चली गई थी बटान से। जैसे आप लोग जैसे आपने बताया कि जब मतलब सर घर वाले से बोल रहे ना हो गया ना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया कह रहे ना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार सोचने वाली बात है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, देख लो मैं कमेंट कर रहे हैं कि रवि गाली मत दिया करो, ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। भैया ऐसा है कि मेरी जो मैं अनवा चुकी मैं किसी गाली नहीं है, तो लोग अपने ऊपर ले जाकर बहुत लोग कमेंट करते हैं तेरे गाली देखो मिल लिए कौन से। अच्छा तो मेरे बाद में कोई गाली देर नहीं, मैं वीडियो बना रहे जैसे मेरा कंटेंट है, मेरी गाली गाली वीडियो चल रही है, केवल वीडियो में गाली देते हैं और वैसे नॉर्मल लाइफ आपकी सीधे गुंडा। अच्छा ऐसा नहीं है जैसे बजरंग दल और रवि यादव मतलब अपना रोला जमाते हो आप? ना ना बस वीडियो है, ऐसा तो नहीं है कि गांव में रोला जमाते हो। कह रहे थे आज ये जो तुम जैसे पता नहीं है, कमेंट लाइक मार दें बन गई वीडियो गई तो तुम्हें पता तो चल गया। घर में कितने लोग हैं? मेरी मम्मी दादा दादी दीदी आंटी काका। अच्छा इतने लोग हैं। तो इससे पहले आपका घर का वो क्या रहता है क्या रूटीन, जैसे फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? भैया नॉर्मल है, पहले मतलब पहले मेरे पापा नहीं हैं तो बस खेती से ही गुजार रहा हूँ, जो कुछ हो रहा हूँ खेती से ही हो रहा हूँ। और चाचा की सर्विस मतलब सर्विस करते हैं तो वो फुल ध्यान चाचा ही रखते हैं। तो देखिएगा चाचा पूरा सहयोग देते हैं भैया को। तो अब
जा बता भैया कि आपने अपने ड्रीमों बता दो कि अब जो है कि सब यूट्यूब पे ही करना है, सोशल मीडिया पे करना है कि अपनो एक चारों तरफ नाम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तुम्हारा नाम हो गया है, नाम होने के बाद आपको और कैसे ड्रीम है कि हाँ अब हमें जो क्रिएटर बहुत सारे लोग जानने लगे तो उनके लिए आप क्या करने की सोचते हैं? जो क्रिएटर जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, क्योंकि आप बड़ा क्रिएटर बन जाएंगे, उसके बाद जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं इनके लिए क्या सोचोगे? अब मैं बहुत कुछ सोच रहा है। पहले अगर ब्लॉग व्लॉग अच्छे चलने लगे सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो फिर मूवी वूवी निकालेंगे, फिल्म निकालेंगे। और मैंने मतलब सॉन्ग भी दो चार लिख रखे हैं और ज़्यादा नहीं, एक दो महीने के अंदर सॉन्ग निकाल दूँगा। आदत भी करें सॉन्ग लिखेंगे। तो अब आपको जो क्रिएटर हैं, काफ़ी क्रिएटर आपको जानने लगे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर, तो मठा के आलू निकाल हमारे मठा के आलू जब बनाते हैं तो लड़का स्कूल हो गया यार। और दूसरे जिला के लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो कह रहे हैं मठा के आलू अच्छे। अब अपनी अपनी चॉइस है, अगर सब लोगों ने अच्छे ही लगा था कहने की चित्र कोई ऐसे है ना जो अच्छे नहीं लगा। तो देखो भैया बहुत सारी बातें भैया से पूछी हैं, तो भैया एक चीज़ और बता, जब आप वीडियो बना रहे हैं, आप अभी फेमस भी हो रहे हैं धीरे धीरे, अच्छे आपके व्यू आ रहे हैं, तो जैसे ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैंने क्रिएटर्स का इंटरव्यू लिया, वो लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं ही हूँ अभी मेरी अच्छी खासी व्यू आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, तो बहुत सारे लड़कियों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, DM आते हैं, और इससे पहले एक भी नहीं आ रहे थे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, कितने पेंडिंग में यार? कम से कम बात करते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव, अब आज में दो दिन पहले रात में 12 बजे मतलब इंस्टाग्राम चला रहे बिटिया मैसेज आओ मतलब हमने बताओ हम लड़की हैं, हमने लड़की को बताओ माफ़ करो, हमने अगर फालतू बात पहली बात अगर मैसेज आ रहा हूँ मैं ब्लॉक कर देते हैं, अगर फालतू मैसेज आ रहे हो, अगर सिस्टर घर की बात कर रहे हैं, अगर भाई बहन की बात कर रहे हैं, और मैंने बात जो पहले की बोलू ना ही करती हूँ किसी की भी कर रही। अच्छा, यूट्यूब की ताकत है, यूट्यूब की ताकत है, पावर की ताकत है, कॉन्टेंट बढ़ाए जाओ। क्योंकि मतलब हाँ आपकी जो वीडियो है मतलब तुरंत ये जैसे आपने कहा धमकी टाइप की, तो आप धमकी टाइप की वो मान गए, तो लोग क्या कहते हैं करेंगे आज यार लगभग होने वाले और फेसबुक पर 2 लाख हैं और फेसबुक पर लगभग 20,000 होने वाले, 19,900 कुछ हो गए हैं यूट्यूब पर, हाँ 20,000 होने वाले हैं। तो कितना अर्न हो जाता है? मैंने 5 रुपये नहीं कमाए वैसे फेसबुक से ही है, ना 2 लाख है ना इंस्टाग्राम से, और यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज है
डॉलर भर रहे हैं पर यूट्यूब पे अबे पूरे डॉलर नहीं है भाई, कहां बन रहा है अब बन गया अली यार, नहीं आ गया अली यार, नहीं आ गया दो चार दिन में। आज कितनी तारीख है? आज 22 है। हां दो तीन दिन में आएंगे 25 तारीख को। तो देख लो पहली पेमेंट आएगी। और भैया की जो वीडियो है बहुत ज्यादा फेसबुक पर चली है, यूट्यूब पर भी चली है, क्योंकि भैया जो वीडियो बना रहे हैं वो उसी टाइप की बना रहे हैं जैसे इटावा की जो भाषा चलती है गाली वाली या वैसी। तो प्रयास हम भी करेंगे भैया, आपसे निवेदन यही करेंगे कि गाली वाली वीडियो नहीं बनाइए, क्योंकि समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता। मतलब मेन बात है कि हम गाली वाली वीडियो बंद कर देंगे, वीडियो कम चलने लग गया हमने, पर मेरी गाली वाली वीडियो बंद करें तुम देख रहे हो इंस्टाग्राम पर कैसी कैसी वीडियो आ रही है, हम अकेले गाली नहीं दे रहे, 50 लोग गाली दे रहे हैं, ऐसी दे रहे तुमको पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाए जा रहे। ये भी सिस्टम सही है, अगर एक 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 लोग अगर संभलेंगे तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कभी कभार हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत। इटावा में भैया बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको आप जानते ही होंगे, जो ज़्यादातर गाली से ही फेमस भाई हैं, और भैया भी गाली से ही फेमस भाई हैं। और तो हम इटावी वाली भाषा में चलत रहे भैया के पास टम्पू हम बैठे। अरे भैया टम्पू हम टम्पू नहीं हमारे दिन तक टम्पू खेला तो जाते हैं। तो भैया अब एक बात तो वो कुछ देखा, मतलब जो ऑडियंस है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप समझ लो हाँ मैं तो जो ऑडियंस है जो इसके सब्सक्राइबर है, अगर वो ऑडियंस आपकी वीडियो देख रही है, आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो आप और आगे जाएंगे। अगर वो आप देखना ही बंद कर दें तो आप आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस वीडियो ही नहीं देख रही है। तो यही सब चीज़ें भैया ने जो कमेंट की बात की है वो बताई है। ये सवाल मैंने पूछ लिया है, पूछना ज़रूरी होता है ज़्यादातर थिएटर से, अब यही मैं पूछूँगा। और भैया ने बात बताई है कि लोग मतलब पहले सही से बोलते नहीं थे, लोग पहले घर आते नहीं थे, सॉरी लोग पहले घर आते थे सही से नहीं बोलते थे, और आज भाई फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इसको हम यही कहेंगे कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ तालियों से पहले गालियाँ खानी पड़ती हैं, पहले गालियाँ खाई, अब वही लोग तालियाँ बजा रहे हैं साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब ऐसा है आते लोग तो यूट्यूब को मतलब ही नहीं जो समझ रहे हैं, ये तो आज बात भी जैसा एक बात है मतलब आपके घर पर बताई हुई है। वैसे तो घर वाले उनको पता ही हुआ है कि आसपास के इटावा में बहुत सारे क्रिएटर तमाम यूट्यूबर भरे पड़े हैं। तो इटावा में जैसे तो मम्मी को घर वाले इनको सब लोग उनको ये पता ही हुआ है कि हाँ यूट्यूब सोशल मीडिया से रुपया आता है। तो आपसे तो वो पूछिए यार कि लल्ला तुम्हारे मतलब इटावा लिया था, बोला लगुआ तुम्हारे रुपया कब आए हैं? हमारे घर वाले का मम्मी को बता दी कंफा में लगे रहा है रुपया पे आए नहीं तो पहली मेन चीज़ घर पे तुम्हें जाए बोलने पर ही अगर रुपया आइए तुम टेंशन ना लो ठीक है, पर हमें कोई ज़्यादा बोझ नहीं करता और रुपया हमें कह रहे हैं मतलब भगवान के पास हो, पर जैसे वैसे चल लो हमें यूट्यूब और ऐसे चाहो नहीं कैसा करते यूट्यूब पर रुपया ही लाए काम नहीं, मतलब दिल लगा के काम करो रुपया अपने आप है, दिल लगा के काम करो रुपया अपने आप है। पहले भैया वो मेरे वायरल होते हैं आए करवा चौथ वालों वायरल होते तो हम पहले बोलेंगे सबसे पहले वायरल होते हैं अभी चल रहा है इंटरव्यू। तो आपको हमने जानकारी मतलब बहुत सारी दे दी है, भैया ने अपने लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो भैया ने वो भी डायलॉग बताए हैं, वो कौन से डायलॉग थे भैया जो वायरल रहे थे जो सबसे पहले वायरल हो तो वो है तो बस ऊपर वालों ना मारे नीचे वाले जज्बों को कोई चक्कर ना है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड ना मारो तो वो है तो इंक्वायरी करने नु करवा चौथ की जैन सारी सप्ताह में आज दिल पे तो जीरो बाण बनाए रोटी नहीं क्या वो तो भैया तो फाइनली गाइस भैया का इंटरव्यू हो चुका है पूरा। तो भैया आपका ब्लॉग मैंने ही बनाया तो अब आप कुछ बोलना चाहोगे अपने ही ब्लॉग में? हम अपने ब्लॉग में जो बोले भैया तो मेरे को बहुत अच्छे लोग दोनों लोग बहुत ही मस्त आ गई हैं और इंटरव्यू दे दो तुम बताओ जी जगह कहीं। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम कोई भी वो तो था ही नहीं भैया अभी नहीं पैदा ऐसी हम ऐसे ही आते चलो भैया आप अपने ब्लॉग कंटिन्यू करिए भैया बनाते भैया तुम ब्लॉगर बन रहे जब बताओ हाँ क्या सो लोग मिल गए भैया
इतो अच्छे लगो ट्रॉली भर गए ट्रॉली भर गए ट्रॉली कहाँ है मैं दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी वो खड़ी है ट्रक ट्रॉली सही है सब इंटरव्यू हो जो और फोटो वोटो ज्यादा खींचो इंटरव्यू देख लियो जाए सब लोग जाओ फटाक से अंशु साक्या वाले चैनल पे गिर पर हो जाए सब अंशु साक्या चैनल है इंटरव्यू करके डाल दियो ऑटोमेटिक आ जाइए और इंटरव्यू तुम बताओ कब डाल दें जब तुम्हारी मर्जी हो हम इंस्टाग्राम पे लिंक करा दें हां ठीक है और बहुत मजा आया और गाइस मेरा वाला जो ब्लॉग है वो आपको मिल जाएगा जस्ट अब से एक ब्लॉग पर तो भैया एक बार आप भी कह दो कौन सा है जस्ट अब से एक ब्लॉग जस्ट अब से एक ब्लॉग चैनल करियो सब्सक्राइब और देखियो जाए भैया कौन लोग काफी मेहनत कर रहे भारी काफी मजा आएगा आप लोगों भारी मेहनत कर रहे ठीक है तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में राम राम।